नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 19 जुलाई 2019, समय 9:24 और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। चलिए, निफ्टी 30 पॉइंट अभी पॉजिटिव है मोमेंट में, जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन इसका ट्रेंड जो है फिलहाल दोस्तों डाउन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस निफ्टी में। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी रहेगा तो 11,600 के पास ऊपर में, तब तक ये पॉजिटिव है। 11,600 को ब्रेक करेगा तो फिर वापस ये निगेटिव 540 के रेंज में चला जाएगा। पहले डैशबोर्ड दिखा दूं, अभी नो ट्रेड लिया है, अभी कोई ए भी ट्रेड नहीं है, जीरो। तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कुछ अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तो ट्रेड किया जाएगा। एक एक करके पहले मार्केट का हाल चाल देख लूं, मार्केट कर क्या रहा है। एक्चुअली इन्फोसिस को 790 के नीचे सेल करना है, अभी पॉजिटिव ही है, देखते हैं। थोड़ा भी इन्फोसिस में थकावट शुरू हो गई है, अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं हम लोग। और कोलगेट को क्या, कोलगेट 13 पॉइंट डाउन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। हेक्सावेयर ऊपर है, विप्रो, एनआईटी टेक क्या किया, अभी तक एनआईटी टेक ने नहीं ब्रेक किया है तो कोई बात नहीं, ना सही ब्रेक ना करे तो ना सही, एक ही रेंज में घूम रहा है। जब भी करेगा ब्रेक बहुत तेज अप या डाउन का मूवमेंट दिखाएगा। अभी हम लोग फिलहाल अपना स्टॉक लगा लेते हैं, रिलायंस, उसके बाद कजारिया तो लगा हुआ है, ये इंफोसिस भी लगा हुआ है, हम इन्हें इसके बाद दिया था एमएनएम, उसके बाद एमएनएम के बाद दिया था टाटा इलक्सी, चलिए टाटा इलक्सी, एनआईटी टेक, एमएनएम। एमएनएम को 602 के ऊपर बाय और सेल था 595 के नीचे, तो 595 के नीचे आ गया है, तो एमएनएम सही जगह पे है। अभी हम लोग वेट करेंगे थोड़ा, मैं दूसरा कुछ स्क्रिप्ट खोजने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। अभी मैं वेट करूंगा, रिलायंस 1265 के ऊपर बाय, अब ये बाय जोन में जा सकता है फिलहाल, वेट करते हैं दोस्तों। जब कोई ऑर्डर लूंगा फिर आप लोगों को मैं अपडेट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, समय 9:44:52 हो रहे हैं। डिविजल में एक ऑर्डर ले रहा हूँ दोस्तों, 1645 के नीचे सेल ऑर्डर लगाऊंगा डिविजल में, 200 क्वांटिटी लगाता हूँ डिविजल में, 1645 के नीचे, 1644 कर देता हूँ, और 1644 रुपये, 44 रुपये 50 पैसा, 6 का भी टारगेट, 12, 6 का स्टॉप लॉस और 12 का टारगेट, और सेल ऑर्डर प्लेस किया मैंने। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे देखते हैं हमारा ऑर्डर टिगर होता है या नहीं होता है। मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है, चेक करने की कोशिश करते हैं। समय 9:45:36 आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। चलिए, एक ऑर्डर लिया है अभी डिविजल, थोड़ा आज लास्ट डे है, सप्ताह का अंतिम दिन है, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ, कोई अच्छा ट्रेड मिले तो ही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज इग्नोर। तो एक ऑर्डर लगाया है, देखते हैं ऑर्डर ट्रिगर होता है या नहीं होता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। 1635, 1635 तक का दोस्तों टारगेट, सॉरी 36 तक का टारगेट, यहाँ से 10 पॉइंट 8 पॉइंट का अचीव करने का उम्मीद है कि यहाँ से 8 पॉइंट अचीव हो जाएगा, तो अच्छा खासा टारगेट के ऑर्डर शायद ट्रिगर हो जाए हमारा, ऑर्डर ट्रिगर हो जाना चाहिए, वेट कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ है, चलिए अभी वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो डिविज लैब में ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, डिविज लैब में अभी जस्ट ऑर्डर ट्रिगर हुआ और 200 क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं, और 540 का लॉस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी 540 का लॉस भी, 680 का लॉस हो गया। टारगेट मॉडिफाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 1636 के आसपास में टारगेट ला के रखता हूँ। अभी हम लोग वेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर है तो देखिए अलग अलग पार्ट में मिला है मुझे ऑर्डर,
क्वांटिटी। अभी 270 का लॉस आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, 200, 300 का लॉस दिखा रहा है, ऑल पोजिशन आप देख लीजिए 300 का लॉस दिखा रहा है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, देखते हैं हमारा टारगेट यहाँ अचीव होता है या नहीं होता है। स्टॉप लॉस 6 रुपया कर दिया है, एक्चुअली सही स्टॉप लॉस कहें तो 1652 के आसपास का स्टॉप लॉस होता है, मैंने जस्ट इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, कट भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए 200 का बचा है लॉस, है ना, वेट करते हैं, 80 का लॉस बचा, देखते हैं क्या होता है। 200 का फिर हो चुका है, 80 का, 200, 280, 250 यही चल रहा है। चलिए हम लोग वेट करते हैं अभी फिलहाल, मुझे लग रहा है ना एक बार रिस्क नहीं लेके स्टॉप लॉस को थोड़ा मेंटेन कर लेता हूँ ऊपर, है ना। इसका हाई था 1649, 1652 के पास रखा है मैंने कुछ क्वांटिटी को, 192 क्वांटिटी, क्योंकि सही स्टॉप लॉस तो यहाँ आता है फिलहाल। तो रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा अगर ये सेल साइड में हमारे पोजिशन साइड में आता है तो। देखिए 540 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, समय 9:51:17, ऑल पोजिशन दिखा दूं 400, 540, 936 तक का टारगेट आ जाएगा, 630 का प्रॉफिट हो चुका है, 470, 936 कह रहा हूँ, 1636 तक का टारगेट आ जाएगा यहाँ पे, 1636 तक का रेंज दिया है मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्योंकि अब इसके पास सपोर्ट तो एक यही है आसपास में, इसके पहले तो सपोर्ट दिख नहीं रहा। एक यहाँ पे से एक सपोर्ट है 1638 के पास भी, यहाँ से भी ये बाउंस बैक हो सकता है, 1638 ने बल्कि 1639, है ना, तो देखिए लो लगा दिया इसने 1640 रुपये का, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसको, यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो जैसा भी होगा हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अभी 760 का प्रॉफिट चल रहा है, 460 हो गया, 670, 460, 500, 470, 600। आप लोगों को भी मैंने दिया है टेलीग्राम पर, ऐसी बात नहीं है, जो मैं लेता हूँ वो भी आपको मैं देता हूँ, है ना। 1635 के टारगेट के लिए मैंने आप लोगों को दिया है, और अभी 1644 पर सेल करवाया है, 42 चल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे एक 1638 के पास एक हेवी सपोर्ट है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए वेट करते हैं अभी हम लोग। बर्जर पेंट भी दिया था दोस्तों, अभी मैंने लाइव मार्केट में बर्जर पेंट भी दिया, इसमें भी 315 पे सेल करवाया है और 313 के आसपास प्रॉफिट बुक करवाया है, सम प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट नहीं, सम प्रॉफिट। 312 का पहला टारगेट होगा, अभी भी ये हमारे डाउनफॉल में ही, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है ये भी। मार्केट डाउनफॉल हो चुका है 65 पॉइंट निगेटिव, छह सौ का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, समय 10:24 हो रहे हैं, अभी 700 का प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही ट्रेड लिया है। देखिए इसमें मेरा बहुत कम ट्रेड होता है, इस टर्मिनल पे एक आध दो ट्रेड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, और यही सही तरीका भी है दोस्तों, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेड करते हैं ना तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते, एक्चुअली आप अपने ब्रोकर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप ओवर ट्रेड करेंगे इसका मतलब आप अपने ब्रोकर को कमा के दे रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जितना कम से कम ट्रेड हो। देखिए टारगेट डन हो गया, ठीक है, 1638 का जो यहाँ पे सपोर्ट था वो इसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, यही पे इसका एक सपोर्ट है दोस्तों, है ना, 920 का प्रॉफिट हो चुका है मुझे, 1638 के पास ही इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1638, है ना, इसको ब्रेक करेगा ना तो और डाउनफॉल दिखाएगा नीचे की साइड में। मार्केट अगर इसके साथ अकॉर्डिंग तो मार्केट डाउन, ये देखिए यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है, यही चीज मैं कर रहा था, इसके पास एक 1638 रुपये का एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रजिस्ट करेगा अपने आप को, अगर एक बार इसको ब्रेक कर देना तो फिर मजा आ जाए और नीचे चला जाएगा, लेकिन हमें तो अपने टारगेट से मतलब है। 1636 का जो मैंने टारगेट रखा है, कितना का आपको दिखा दूं, सॉरी 1600, अरे यार ये हट, हाँ ये जो है 1636.50 का, बस यहाँ तक आ जाएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है फिर हमारा। अभी चलिए वेट करते हैं फिलहाल, है ना, वही डर हुआ दोस्तों, मार्केट ने निफ्टी ने देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है ना, अब ये और कमजोर हो जाएगा,
लगभग 480 तक का रेंज दिखा सकता है आपको यहाँ पे निफ्टी, सॉरी 480 तक का रेंज दिखा सकता है। इस वजह से सारे इंडाइसेस रेड हो गए, सारे स्टॉक्स रेड हो गए, सिर्फ एक एनआईटी टेक है जो पॉजिटिव है, 1 रुपया यहाँ मेरे वॉच लिस्ट में जो लगे हैं उसका टाटा इलक्सी पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा बीएमएल पॉजिटिव दिख रहा है। बीएमएल को मैंने शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल भी दिया है आपके टेलीग्राम पर, आप देख पा रहे हैं 936 के पास दिया है और टारगेट फाइनली 985 का है, तो ये पोजिशनल कॉल हो, इंट्राडे के लिए नहीं है। डिवीज लैब अभी ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों हमारा, जो हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ है इसमें, यही एक 1638 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 1636 के पास हमारा टारगेट है। ओवरऑल पोजिशन जैसा आप देख रहे हैं 990 रुपये का हो चुका है, तो सिंपल है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक ही ट्रेड, एक ट्रेड करने से क्या होता है ना, एक से दो ट्रेड की मैक्सिमम आपको तो पहले ब्रोकरेज देने से बच जाते हैं, बहुत कम ब्रोकरेज देना पड़ता है, ओवर ट्रेड नहीं होता, इससे सारा प्रॉफिट मैक्सिमम जो है ना आपके डीमेट अकाउंट में आता है, आपके अकाउंट में आता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में आता है, 980 का प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज आप जब ओवर ट्रेड करते हैं तो सारा प्रॉफिट, अगर मान लेते हैं 6 ट्रेड किया और 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो जानते हैं आपके अकाउंट में कितना आएगा, हो सकता है 200 रुपये आ जाए, हो सकता है 100 रुपये आए, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपने ओवर ट्रेड कर लिया ना, तो ओवर ट्रेड से हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। देखिए अगर इसको फॉल करता है तो एक अच्छा डाउनफॉल नीचे की साइड में दिखाएगा, 936 तक तो आ जाएगा, इसके नीचे भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको हमेशा हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पे बने रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड करता हूँ, और यही 938 जो है इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, मैं अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा, यहाँ से इसी कैंडल के हाई पे ला के लगा दूंगा, इसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे जो कि आता है 1641.90 रुपया यहाँ पे आ रहा है, 1100 का प्रॉफिट हो चुका है, अरे फिर घट गया, 1350 का प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड, आ गया 1637 का रेट लगा दिया, टारगेट डन, ऑल टारगेट डन हो गया दोस्तों, टारगेट अचीव, और यहीं से देखिए ये वापस अब रिवर्स लेने की कोशिश कर सकता है, या अगर इसको ब्रेक करेगा तो और तेजी से जाएगा। ओवरऑल पोजिशन 1500 रुपये का, 200 क्वांटिटी लिया था, 7.5 पॉइंट गेन किया, 1500 का प्रॉफिट सिंपली हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। तो टारगेट डन, यहाँ भी आप लोगों को मैं बुक प्रॉफिट करवा देता हूँ ना, कुछ प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, बुक प्रॉफिट इन डिवीज लैब, और इंजॉय प्रॉफिट भी ले देता हूँ, इंजॉय करिए, है ना, हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं नमस्कार भी कर लेता हूँ भाई, कि आप लोग बड़े आदमी हैं, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया सेवा में हाजिर, इंजॉय कीजिए। देखिए इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ भी जा रहा है, और इसको ब्रेक करेगा तो और कमजोर हो जाएगा ये स्टॉक, फिर और नीचे चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अब इसको देखने का कोई जरूरत नहीं, अपना टारगेट आ गया डन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।